जेडीयू नेता मनीष वर्मा ने एक इंटरव्यू में नीतीश कुमार को पुराने ख्यालों वाला नेता बताया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को सोशल मीडिया के जमाने में अपने काम का प्रचार भी करना चाहिए। वर्मा ने तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधा और कहा कि आरजेडी नेता नीतीश कुमार के खिलाफ झूठी बातें फैलाकर धारणा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार की राजनीति में इन दिनों चर्चा गर्म है कि क्या जेडीयू नेता और पूर्व आईएएस अधिकारी मनीष वर्मा नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी बनेंगे। इसी बीच वर्मा ने एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में कई मुद्दों पर खुलकर बात की। उन्होंने बिहार सरकार के कामकाज, पुल गिरने जैसे मुद्दों पर अपनी राय रखी। जब मनीष वर्मा से पूछा गया कि सोशल मीडिया के दौर में नीतीश कुमार तेजस्वी यादव और चिराग पासवान से पिछड़ रहे हैं, तो वर्मा ने कहा नीतीश कुमार का काम ही उनकी पहचान है। उन्होंने 2005 से पहले बिहार की तुलना आज के बिहार से की है और कहा कि नीतीश के काम के कारण ही उन्हें जनता का समर्थन मिला है। वर्मा ने आगे कहा, नीतीश कुमार हमेशा कहते हैं कि भाई हम काम करने के लिए हैं, बिहार की जनता के प्रति कमिटेड हैं, हम तो काम करेंगे, हम खाली मीडिया मैनेजमेंट नहीं करते रहेंगे, हम खाली सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं करते रहेंगे। जेडीयू महासचिव वर्मा ने ये भी माना कि समय के साथ नीतीश कुमार की सोशल मीडिया को लेकर सोच बदली है। उन्होंने कहा, लेकिन आज की स्थिति में ये भी बेहद ज़रूरी है कि आप काम भी कीजिए और इसको पोस्ट भी कीजिए। ये बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समझ में आ गई है कि प्रचार ज़रूरी है। तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए वर्मा ने कहा कि आरजेडी नेता नीतीश कुमार के खिलाफ झूठी बातें फैलाकर उनके खिलाफ धारणा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा, लेकिन नीतीश के खिलाफ झूठी बातों पर परसेप्शन बनाने की कोशिश कौन कर रहे हैं? ये लोग कौन हैं? ये विरोधी हैं? लोग कोई परसेप्शन नहीं बनाते हैं, लोग ये सब नहीं करते, विरोधी करते रहते हैं। आरजेडी के नेता ही इस तरह का परसेप्शन बनाते हैं। आरजेडी नेता अब कह रहे हैं ब्रिज का सारा पैसा खा गए, ऐसा कर लिया इसलिए ब्रिज गिर गया। अरे भाई, आप भी तो वहां पर थे 17 महीने नीतीश कुमार के साथ, आप शासन में थे, आप भी तो उस विभाग के मंत्री थे जिस विभाग में ब्रिज गिरा। आपने कौन सी नीति बना ली? आपने तो कोई नीति नहीं बनाई, हम लोग तो पहले से ही ब्रिज का मेंटेनेंस पॉलिसी बनाया रोड कंस्ट्रक्शन में और उसके बाद फिर इसको और फर्द लागू कर रहे हैं। मनीष वर्मा ने आगे कहा कि इस बार ग्रामीण पथ विभाग में मेंटेनेंस पॉलिसी ला रहे हैं, तो आप जब सरकार में थे तब तो आपने कुछ नहीं किया, जब आप सरकार से बाहर हैं तो एक फोटो दिखाकर कह रहे हैं कि सब खा लिया, ये हो गया। हम तो कहते हैं कि भाई, जब आपकी सरकार थी, आपके माता पिता की सरकार थी, तब कितने ब्रिज बने थे? कुछ ब्रिज बने भी थे, कुछ सड़कें बनी भी हुई थी जो गिर सकी हैं। जब कुछ नहीं बना ही नहीं, जब पूरा खंडर ही रहे तो क्या गिरेगा? कुछ मिलाकर मनीष वर्मा ने इस बयान ने बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है। उनके इस बयान को नीतीश कुमार के नेतृत्व पर सवाल उठाने के तौर पर भी देखा जा रहा है।